अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर नगहानी आफतों, बीमारियों, परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर मुहर्रमुल हराम का शरबत, और ये मैं 3 किलो का दूध का शरबत बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने जेलियों को रात को ही बनाकर रख दिया था, और दुख मलंगे को भी मैंने रात को ही भिगोकर रख दिया था। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध ले लिया है, और मैंने डे फ्रेश का दूध लिया है। आप लोग कोई सा भी दूध ले सकते हैं, आप लोग गाय का दूध भी ले सकते हैं, और ये जो पैकेट्स वाले दूध होते हैं इनको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 by 1 करके सारा दूध पतीली में शामिल कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। चीनी ली है मैंने 2 कप, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है तकरीबन 1 कप के करीब। आप लोग भी अपनी दूध की क्वांटिटी के हिसाब से रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं। हमें फ्रेंड्स रूह अफ़ज़ा थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा एक साथ डाल दिया तो कलर बहुत डार्क हो जाएगा। इसीलिए कलर को देखते हुए आप लोग, अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग और डाल सकते हैं। तो मैंने रूह अफ़ज़े को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैंने खोया लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर दुख मलंगा लिया है 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच। मैंने रात को इसको भिगो कर रख दिया था, ये फूल कर देखें कितना ज़्यादा हो गया है। ये भी आप लोग डाल लीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, ठंडा ठंडा होता है। और तुख मलंगे को चिया सीड भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर क्विस फ्लेवर में, यानी कि बनाना फ्लेवर में, मैंने यहाँ पर रफान क्रिस्टल जेली ली है 2 पैकेट के करीब, और इसको भी मैंने रात को ही बना कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से जम सके। तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं अगर हम एक दिन पहले ही इन सारे कामों को कर कर रख दें। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अब ऑरेंज फ्लेवर में रफान क्रिस्टल जेली ली है, और उसको भी मैंने एज इट इज़ ऐसे ही 2 पैकेट को जमा कर रख दिया है। वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 by 1 करके, और थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ ताकि मुझे गार्निशिंग करनी है ग्लासेस में। ये एक और जेली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रफान क्रिस्टल जेली, इसको भी मैंने रात को इसी तरह बना कर रख दिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं 1/2 कप के करीब, इनको भी मैंने रात को भिगो कर रख दिया था बॉयल पानी में। और 1/2 कप के करीब ही मैंने बादाम लिए हैं, यानी कि आलमंड्स, इसको भी मैंने भिगो कर रख दिया था, उनको भी मैं शामिल कर दूंगी। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने मज़ेदार सा हमारा शरबत बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके और मज़ेदार सा ये हमारा मुहर्रमुल हराम का शरबत बना सकते हैं। अब मैं ठंडा करने के लिए इसको यहाँ पर बर्फ़ डाल रही हूँ, और बहुत चिल्ड और मज़ेदार सा ये शरबत होगा। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसमें सर्विंग करूँगी ग्लासेस में। अब मैं गार्निशिंग के लिए गिलास रेडी कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ। 1 by 1 करके मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।